अध्याय चार, बहुपद, पॉलिनोमियल्स, अंक व संख्याएं, डिजिट एंड नंबर्स। आप अध्याय चार पढ़ रहे हैं। गोमती की उम्र 14 वर्ष है। पिछले दिनों रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था। आम गांव की आबादी 6000 है। एक बोरी में 30 किलोग्राम चावल है। पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी 54.6 मिलियन किलोमीटर है। प्रकाश की गति 186,000 मील प्रति सेकंड है। ऐसी अनेक बातें बातचीत का हिस्सा होती हैं। इन सभी कथनों में 4, 14, 10, 6,000 आदि संख्याएं हैं जो 0, 1, 2 से लेकर 5 से लेकर 9 अंकों की मदद से लिखी गई हैं। इन्हें अन्य प्रकार के संख्या संकेतों जैसे रोमन में 1, 2 से लेकर 9, 10 और आगे भी की मदद से या किसी और संख्या पद्धति में भी लिखा जा सकता है। क्या आप किसी और तरह से भी संख्याओं को व्यक्त करने के उदाहरण दे सकते हैं? कुछ और गणितीय कथन, सम मोर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। ऊपर के सभी कथनों में हमने दूरी, धारिता, आयु, ताप, आबादी, गति आदि को अंकों व अंक पद्धति का उपयोग कर संख्या को व्यक्त किया। हम कुछ और तरह के कथनों का भी उपयोग करते हैं, जैसे किसी वर्ग की भुजा A है तो उसका परिमाप 4A होगा। एक आयत की लंबाई L और चौड़ाई B है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप पता करो। पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुने से 6 वर्ष अधिक है, इस कथन को x = 2y + 6 लिखते हैं। मूलधन, ब्याज आदि के बीच संबंध साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। दो रेखाएं एक दूसरे से थीटा कोण बनाती हैं। इन सभी उदाहरणों में A, L, B, X, Y, मूलधन, दर, समय, थीटा आदि भी किसी न किसी संख्या को प्रदर्शित करते हैं। इन्हें अक्षर संख्याएं कहते हैं। क्या ऊपर बताई गई दोनों प्रकार की संख्याओं, अंकों में लिखी व अक्षर संख्याओं में व्यक्त संख्याओं में कोई फर्क दिखाई पड़ता है? एक फर्क तो यह है कि 5, 14, 10 आदि को अंकों में लिखा गया है, जबकि A, L, B, X, Y, दर, समय, थीटा आदि को वर्णमाला के अक्षरों से व्यक्त किया गया है। दूसरा अंतर यह है कि पहले प्रकार की प्रत्येक संख्या का एक निश्चित मान है, जबकि अक्षर संख्या के मान अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग हो सकते हैं। क्या कोई बात इनमें समान भी है? सोचिए, आप कहां-कहां अक्षर संख्याओं का उपयोग करते हैं? क्या अक्षर संख्याओं में भी जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग की संक्रियाएं हो सकती हैं? बीजी व्यंजक और उनके पद, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर टर्म्स। पिछली कक्षाओं में संख्याओं के कई उदाहरण आपने देखे होंगे जिनमें अक्षर संख्याएं उपयोग में आईं, जैसे 4a वर्गमूल 3a वर्ग बटे 4, a धन b धन c, 4/3 पाई r की घात 3, x का वर्ग धन 2x धन 3, कोष्टक में x धन 3, वर्गमूल x बटे y, m ऋण 9, 2p धन q। इनमें से प्रत्येक को हम बीजी व्यंजक के रूप में पहचानते हैं। इनमें कुछ एक पद वाले, कुछ दो पद वाले, कुछ तीन पद वाले बीजी व्यंजक हैं, जैसे 4a वर्गमूल 3 a का वर्ग बटे 4, 4/3 पाई r की घात 3, 5a x की घात 2 y z आदि। एक पद वाले बीजी व्यंजक हैं, कोष्टक में x धन 3, m ऋण 9, 2p धन q दो पद वाले बीजी व्यंजक हैं। m ऋण 9 में m और ऋण 9 दो पद हैं तथा 2p धन q में दो पद 2p और q है। इसी प्रकार a धन b धन c x वर्ग
धन 2x धन 3 तीन पद वाले बीजी व्यंजक हैं। यहां a धन b धन c में a पहला, b दूसरा और c तीसरा पद है। दूसरे उदाहरण में x का वर्ग पहला पद, 2x दूसरा पद और 3 तीसरा पद है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये दो पद वाले या तीन पद वाले क्यों हैं, जबकि इनसे बड़े बड़े व्यंजक केवल एक पद ही हैं। किसी व्यंजक का पद केवल संख्या, केवल अक्षर संख्या या संख्या व अक्षर संख्या का गुणनफल होता है। कोई व्यंजक एक या एक से अधिक पदों से बना होता है। किसी व्यंजक में धन या ऋण चिन्ह से पद निर्धारित किया जाता है, गुणा या भाग चिन्ह से नहीं।